हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक मॉडिफिकेशन करने वाले हैं कार में, जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में किया था। यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइट लगाई थी, कुछ लोगों को पसंद आ रही थी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन यहाँ पे दूर से देखने पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी प्यारी लगती है और रात को चमकती भी है। और यहाँ पर ये बम्पर गार्ड आराम से दूर से ही दिखता है, क्योंकि वो यहाँ पर जो ये अंदर वाली रिफ्लेक्टर थी, ये यहाँ पर बम्पर गार्ड के कारण दिख नहीं देती। और हाँ, मुझे पता है इस बम्पर गार्ड पर यहाँ पे चालान वगैरह है, लेकिन ये बहुत सेफ्टी करता है कार की, नहीं तो रोजाना डेली इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे टूटता ही रहे। तो यहाँ पे जब हम कार को रोकते हैं और यहाँ पे अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ कार्स में तो यहाँ पे लाइट वगैरह लगी हुई होती है, कुछ कार्स में यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगे हुए होते हैं, लेकिन हमारी कार में यहाँ पे केवल ये खाली जगह दी है। अभी ये किस चीज़ के लिए दी है वो भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे इस रिफ्लेक्टर टाइप को, छोटा टुकड़ा, जैसा कि इतना टुकड़ा यहाँ पे काट के इसको यहाँ पे लगाएंगे, जिससे कि हम जैसे दरवाज़ा खोले तो पिछली, जैसे कि हमारा कार का दरवाज़ा ऐसे खुला है तो इस साइड में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सिंगल लेन रोड है और यहाँ पे ये दरवाज़ा खुला रह जाए और यहाँ पे पीछे से कोई कार आ जाए तो उसको दरवाज़ा दिखेगा नहीं, शायद उसकी लाइट लो हो या लाइट नहीं हो, छोटी मोटी लाइट हो, कुछ भी हो, जैसे कि उसको दरवाज़ा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्टर टेप लगी हुई होगी तो उसको दरवाज़ा यहाँ पे चमक जाएगा, जैसे कि ये रिफ्लेक्टर टेप यहाँ पे चमक जाती है, ऐसे रात को चमकती है। मैं रात को भी इसका सीन दे दूँगा, क्योंकि यही हिस्सा ज़्यादा बाहर रहता है अगले दरवाज़ों में। तो हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे, और जो पिछले दरवाजे है उसका ये हिस्सा ज़्यादा बाहर रहता है, ये वाला, तो इसमें हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे इसके टुकड़े काट लेता हूँ साइज़ के अनुसार, और फिर आपको दिखाता हूँ आगे का वीडियो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसकी चार यहाँ पे ऐसा काट लिया है, ये दो तो यहाँ पे आगे के लिए, जैसा कि यहाँ पे ऐसे लगाएंगे इसको तो ये दूर से ही दिख जाएगी, और ये जो छोटी वाली है ये मैंने काटी है यहाँ पे पीछे के डोर्स के लिए, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे लगा दी के दिखा देता हूँ आपको। या तो इसको यहाँ पे लगाएंगे हम, जैसे कि ये दरवाजा ऐसे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे चमक जाएगी, या यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से अच्छी तरह से दिखेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर ही सही रहेगी। तो इनको हम यहाँ पे पीछे के दरवाजे में तो लगाएंगे यहाँ पे, और आगे के दरवाजे में यहाँ पे। तो अब लगाना स्टार्ट करते हैं, रात का व्यू मैं आपको दिखा दूंगा रात में, अभी दिन में तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं, चिपका देते हैं। ये एकदम बेस्ट कंपनी की है 3M की, जो कि 3M कंपनी को तो कौन नहीं जानता होगा, एकदम बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों के लिए अच्छी एसेसरीज वगैरह बनाती है गाड़ियों और कार्स के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं 3M की बैजिंग। और ये यहाँ पे 35 रुपये पुट की आती है, यहाँ पे मैंने 2 पुट लाया था, और यहाँ पे ये तो 1 पुट में काम चल गया, 1 पुट भी नहीं लगा, 1 पुट तो लग गया शायद। तो चलिए इसको लगाते हैं, तो अब इसको यहाँ पर चिपकाते हैं। ये यहाँ पे चिपक चुकी है, जैसा ये देख सकते हैं, और दूर से ये चमक जाएगी। ये वाला है ना, इसको यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो सेम प्रोसेस से ही लगा देते हैं इसको, फिर उस साइड का लगा के हम साथ में दिखा देंगे सारे, क्योंकि जैसा इस साइड में लगाया है वैसा ही उस साइड में लगेगा। इसको यहाँ पे साफ करके इसको यहाँ पे लगा देते हैं,
रात को कैसी लगेगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी दिन में तो लगा देते हैं हम, रात में देखेंगे हम इसकी। ये दोनों तो हमने लगा दिए, अब उस साइड की भी लगा देते हैं क्योंकि सेम ही प्रोसेस होगा इनको लगाने का।